एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो गाइस, जो मेरी कल के वाला जो ब्लॉग था जिसमें मैंने शॉप कितना सारा किया और क्या क्या लिया ये मैंने बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी। सो गाइस, अभी मैं ये वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया था। मैं गई थी पहले, सबसे पहले हम लोग गए थे कुछ प्लांट वगैरह परचेस। तो प्लांट वगैरह परचेस करने के लिए सबसे पहले गई थी, तो ये सब मैंने प्लांट खरीदे हैं। अलग से पॉट भी मैंने देखे लिया दी। सो गाइस, ये प्लांट्स मैंने परचेस किए हैं। सारे प्लांट्स मैंने ये इंडोर लिया है क्योंकि मैंने इसे अपने लॉबी के लिए और अपने होम मतलब डाइनिंग एरियाज और फर्स्ट रूम, गेस्ट रूम, सारे रूम्स के लिए मैंने यू नो लिया। बेबी के रूम के लिए, टेबल के लिए, कुछ टीवी यूनिट के लिए, तो इस तरह से मैंने लिया। ये जो बोलती है ना इसे, ये पॉट, ये जो गमले, ये आजकल प्लास्टिक वाले जो आ रहे हैं ट्रेंड में हैं, तो मैंने सोचा कि मिट्टी का ना लेके इसे ही गमले को यूज़ किया जाए, तो ये लिया है मैंने। ये मेरे शहर में ही मुझे 130 करके पड़ा जी। मैंने 20 के लिए बहुत बार्गेनिंग की। पहले तो उन्होंने 170 रुपये कहा, बट मैं तो बार्गेनिंग करके इसे बोलते बोलते मैंने इसे 130 में लाया। 120 मैं बोलती रही, पहले तो मैंने 100 बोला, फ्रैंकली बता रही हूँ, तो 100 में वो नहीं माने, बोलते हैं कि परचेजिंग ही नहीं है हमारी, परचेजिंग 125 की है। तो फिर वो लोगों ने मुझे ये वाला 130 करके लगाया। छोटा वाला में भी मुझे लगता है कि ये उन्होंने ये 70 या 80 रुपये करके दिया, जो कि याद नहीं है। टोटल मुझे गमले की प्राइस ही मेरी सिर्फ 1100 की हुई थी, एंड उसमें सिर्फ दो प्लांट था जो कि इंडोर के लिए, वो थोड़ा कॉस्टली कहते हैं वो था। ये प्लांट मैंने लिया, ये छोटा सा, ये तो कलर सब मुझे अच्छे लगे, वाइब्रेंट थे ये कलरों में, थोड़ा सा ये वाला एक डिफरेंट था। तो मैंने कुछ कुल मिला के 7, 5, 6 प्लांट लिए थे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्लांट हैं। बस अभी नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैं चेक कर रही थी कि किस जो गमले के साथ, ये पॉट के साथ कौन सा फ्लावर ये सूट करेगी, तो वो चेक कर रही थी। बट अभी मैंने इसमें प्लांट में मिट्टी नहीं डाला, अभी मिट्टी डालने का एक दिन प्रोसेस करूँगी, तो उस दिन भी मैं ये व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी। तो अभी नाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं फ्री होके, तो मैंने अभी तक इसे सेटिंग किया नहीं है, तो इसलिए सोचा कि पहले आप लोग से वीडियो व्लॉग शेयर की जाए, उसके बाद। हाँ ना, बहुत रात हो गई है बेटा, चलो, बहुत रात हो गई, चलो, इतनी रात को क्यों खेलना है आपको? ये बबल्स मम्मा लाई थी, कैसा लगा? ओके, ठीक है। इसमें से एक प्लांट ये मैंने लिया है, ये जहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का जो वर्क करते हैं, तो उन्हें अच्छा फ्रेश फील कराए, तो ये मॉर्निंग में ना देखने के बाद इसे अच्छा वाइब्रेशन होगा। तो ये वाली जो प्लांट है ये मैंने सारे इंडोर जैसे मैंने बोला ये लिया है। ये एक प्लांट की कीमत उन्होंने 200 रुपीज़ ये बोली है, पॉट का अलग बोला है, तो दो सबकी अलग प्राइस है। बेटा जी, माँ व्लॉग शूट कर रही है ना बेटा। सो गाइस, फिर हम लोग बिग बाजार गए हैं, वेस्ट साइड गए हैं, बेबी का ड्रेस लिया, तो इस तरह से सब शूज वगैरह बेबी के लिए हैं। बेबी के ड्रेस मैं एग्जैक्टली बर्थडे के दिन ही व्लॉग में डालूंगी, तो वो मैं आप लोगों से रिवील नहीं करूंगी। बेबी के लिए ये मैंने उसका एक बेटे के लिए लिया, जो कि यूनिसेक्स था, ये वेबसाइट से ही मुझे मिल गया था, तो ये लिया मैंने। इसकी प्राइस 499 रुपीज़ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इससे पहले मैंने अपनी बेबी के लिए दो शूज़ लिए थे, एक तो बाबू ने पता नहीं कहाँ कहीं बुला दिया, बट ये लिया। कुछ घर के खाने वाना का सामान लिया, सो गैस तो वो लिया। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ओट्स लिए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी डाइटिंग शुरू किया है कुछ दिनों से, तो उन्होंने ये ओट्स लिए हैं। स्प्राइट पे ऑफ़र थी सिर्फ, तो बाकी कोल्ड ड्रिंक पे ऑफ़र नहीं था, बट इस पे थी, तो मैंने इसे ले लिया। मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया, तो इसकी जो कैलॉग्स की कॉर्नफ्लेक्स लिया है जनरली मैंने, तो इसलिए मैंने, मेरे बेबी ने इसका कहीं घुमा दिया, इसका पता नहीं कहाँ फेंक दिया डब्बा खोल के, उसको जानते ही आप लोग कितनी नॉटी है। सो गाइस, ये वाला कॉर्नफ्लेक्स लिया था जिसमें आलमंड एंड हनी रहती है, ये हम लोग हमेशा इसी को मैं चूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, इसमें कोई शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं, और आलमंड की जो क्रंची नहीं आती है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये वाला। और बाकी बेबी के लिए ये किटकैट वगैरह ले लिया, इसके ये एक पे एक ट्रीट थी ब्रिटानिया की, ये ऑफर था, एक पे एक था, एक बेबी ने खा भी लिया तुरंत। और ये मुझे बहुत पसंद है, यू नो हाइड एंड सीक, ये भी बेबी के लिए ही लिया, मुझे भी पसंद है, बेबी के बहाने मैं भी खा लूँगी।
एंड ये प्रभाजी का ये जो सोन पापड़ी है ये 1/1 थी, एक पैक फ्री था, तो मुझे बहुत अच्छा ऑफर लगा, ये लिया है क्योंकि मैंने बनाए थे कुछ दिन पहले ही, मतलब कल बनाया था मैंने नूडल्स लिया है मैंने, बनाया था मंचूरियन, तो उसके साथ ये खाने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लूँ, ये कॉम्बो पैक ही ले लिया। ये बिग बाज़ार से मैंने लिया था, और ये लिया है बेबी के लिए, जैसे मैंने बताया नेस्ले का सिरेलैक, ये वीट एंड एप्पल चेरी लिया है मैंने, बेबी मेरा 6 मंथ का जो कि हो गया, तो स्टार्ट कर देंगे अब ये इस तरह की सब छोटी मोटी खाने की चीज़। और मेन जो है, देखिए मैंने जो फेशियल वाला अपने से शेयर किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने देखिए फेम ब्लीच ही लिया है मैं अपने फेस के लिए, जो कि मैं अभी करूँगी, तो इसके वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी बना के। और एक मैंने अपने लिए लिया है पॉन्ड्स बीबी, ये मैं बस रिव्यू पर्पज़ था, तो इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। ये मैं चिली वगैरह अक्सर बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने बड़ा सॉस ले लिया, चिली सॉस अच्छा लगा मुझे। एंड ये 50-50 की मदर्स वाला ये मैंने एक ले लिया गर्ल्स। और ये जो न्यू मार्केट में मुझे दिखा ये शेक, तो ये बेबी के लिए लिया, जो कि मेरी बेटी को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसका 3 लिया था, बट इसको टेस्ट अच्छी नहीं लगी। पेप्सोडेंट यम केयर लिया। एंड बेबी का जो ड्रेस है मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, इस तरह से लिया था ये, मैंने वेस्ट साइड से ही लिया था, जो कि मैंने इसे सरप्राइज़ रखा है बेबी के लिए। हेयरबैंड वगैरह ले लिए इसके लिए मैंने, अपने लिए एक क्लैशर ही लिया था, ये मैंने मार्केट साइड से लिया था, जो रोड साइड मार्केट होती है वो लिया। और मैंने मेहंदी के 2 कोन लिए खुद के लिए, इस तरह से देख सकते हैं, मैं लगाऊंगी इसका भी ब्लॉग शूट करूंगी जल्दी। एंड ये एक लूप्स थी स्क्वायर में, ये जो थी मुझे अच्छी लगी वो ले लिया। ये कुछ क्लिप्स लिए थे ज़रूरत के लिए, सोचा था कि इसका भी ब्लॉग शूट करूँ, बस टाइम ही नहीं मिला। बेबी का सूट लिया है, मैचिंग मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हो गया। एंड गाइस नेक्स्ट, ये जो ट्रॉली बास्केट मुझे दिखा था ये मैंने अपने किचन के पर्पज़ के लिए लिया, वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये 199 रुपीज़ का था, बट मैंने जब चेक किया तो ऑफ़र प्राइस इसकी थी मुझे 150 की मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ले लिया जाए। तो ये सब मैंने मार्केटिंग करके मैंने सिर्फ फ्लावर्स लिए, ये सब पे कोई ऑफ़र नहीं होता गाइस। बेबी का ड्रेस मैंने 15 का लिया, तो क्योंकि बर्थडे पे मैं अच्छा ड्रेस सोचती हूँ पहनाऊँ, क्योंकि मेरी बेबी को बहुत अच्छा ख्वाहिश होता है पहनने का, तो इसलिए मैंने वो शेयर किया। हनी तुम्हें ड्रेस पसंद आया बेटा, अच्छी लगी आपको ड्रेस, यू लाइक इट? नहीं बेटा, ये आपके बर्थडे के लिए है ना बेटा, वो पेस्ट है बेटा हमारे लिए, आपका तो मैंने टूथब्रश ला दिया था ना, दे दिया आपने, यूज़ भी कर लिया अपना टूथब्रश। ये आपने शेक लाया था, आप जो आपको अच्छा नहीं लगा ना बेटा, एक फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई है बेटा, मैं देती हूँ, लो जो कि आपको अच्छा नहीं लगा था ना बेटा, पी के देखो बेटा, अच्छी शेक है, इतना चॉकलेटी टेस्ट है, पर मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा, तो मेरी डॉटर को जब अच्छा नहीं लगा तो यू नो ना वो वेस्ट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी इसे उतना लाइक नहीं करते हैं चॉकलेटी। तो सो गाइस ये मैंने आप लोगों से शेयर की मेरी जो डेली मार्केटिंग और व्लॉग वगैरह। नेक्स्ट मैं अपने कपड़े वाला भी नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी कि मैंने अपनी क्या क्या तैयारी की है बर्थडे के लिए, जो घर पे पार्टी होने वाली है उसका भी व्लॉग जरूर आप लोगों से शेयर करूँगी। इसको गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा जी गाइस। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे रील्स को ऑलवेज हमेशा वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अरिबा लाइफस्टाइल व्लॉग मैंने चैनल क्रिएट किया, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ यू ऑल।